अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद जो है आप लोगों को उसके बारे में बताना। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया अमेरिका के लिए, जो स्पेशली मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया गया है, जिसकी डेडलाइन 15 मई 2019 है। एप्लीकेशन का जो वो है वो ऑनलाइन है, आपको हार्ड फॉर्म में जरूरत नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, ये है कि पाकिस्तानी सिटीजन होने चाहिए, ठीक हो गया ना। लेकिन एक मेन इम्पोर्टेंट बात जो इसके अंदर है वो ये है कि आपके पास जीआरई मैथ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना आपको आइट्स चाहिए ना टफल चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो है जीआरई, ग्रेजुएट एग्जामिनेशन रिकॉर्ड टेस्ट जो भी है उसका जो है आपको उसके स्कोर चाहिए। अगर इस वक्त आपके पास वो नहीं है एप्लीकेशन सबमिट करने के वक्त, तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन की स्कैन फॉर्म दिखा सकते हो कि हमने रजिस्ट्रेशन करा ली है, आप उसकी स्लिप भी यहाँ पे दिखा सकते हो। अब हाउ टू अप्लाई क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, 3 रेफरेंस लेटर होंगे, यूर जी आर ई स्कोर रिपोर्टेड। जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एप्लीकेशन का, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। अब इसमें ये आता है कि क्या इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। अगर तो आप किसी एमबीए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन तो एक्सपीरियंस मस्ट है। इसके अलावा किसी और प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक्सपीरियंस मस्ट नहीं है। तो ये उनका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके आप फुलब्राइट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखने लिखा है फुलब्राइट डिग्री प्रोग्राम। इसके बाद आपने क्या करना है, फुलब्राइट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी गिवन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट सी एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायर स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन क्या है, प्रोग्राम प्लेसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे सब कुछ जो है गिवन है। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे वन बाय वन कुछ क्वेश्चन है। डू आई नीड टू हैव कंप्लीट द बैचलर डिग्री आर टू अप्लाई, यस आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पी एच डी, डू आई नीड हैव कंप्लीट द मास्टर डिग्री, बिल्कुल आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। क्या मैं एम एस स्टूडेंट पी एच डी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं आप नहीं कर सकते। विच एकेडेमिक डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल, तमाम एकेडेमिक्स जो हैं एलिजिबल हैं यहाँ पे, लेकिन क्लिनिकल मेडिकल जो है, मेडिसिन जो है, इसके अलावा तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, मैथ्स, कम्युनिकेशन, आर्ट्स, कल्चर, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग हेरिटेज, कन्वर्सेशन एंड म्यूजियम स्टडीज, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, एनवायरमेंटल साइंस, स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी, पीस स्टडीज एंड द डेटा साइंस। कैन यू अप्लाई फॉर एन एम बी ए, यस यू कैन अप्लाई फॉर द एम बी ए, लेकिन इसके लिए मस्ट है कि आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई हैव एम बी बी एस डिग्री, कैन यू अप्लाई, यस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन और जो स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसा कि आप पब्लिक हेल्थ में या रिसर्च फोकस जो फील्ड हैं उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि जी आर ई मस्ट है, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है। Is work experience required? No, unless you are applying for the public policy administration or an MBA. अगर तो आप MBA के लिए apply कर रहे हैं public policy के लिए, तब आपको experience चाहिए, वरना आपको experience नहीं चाहिए। तो GRE का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे GRE का question था कि आपको GRE ये लिखा है। What is ये? Can I take the GRE after submitting my application? No, you must have the taken the GRE test score before the application deadline. Ideally, you should have your test score report uploaded with the application. If you don't have score by the deadline, you should upload the proof of your registration with the application showing that you took the exam before the deadline. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें main जो important चीज देखी जाएगी वो आपका GRE है। Is the TOEFL also required with this transcription? नहीं, TOEFL required नहीं है, जो required है वो क्या है आपका GRE। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। इसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जाने के बाद आप अपनी स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर तो आपने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी किया है, कंटिन्यू किया, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, न्यू एप्लीकेशन है, तो आपने क्लिक करना है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। जब आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करेगा, जिसके अंदर आपकी ई मेल आई डी, ई मेल आई डी के साथ आपका CNIC नंबर 3201-9232163-7, आपने इस पर क्लिक करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आएगी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एंड ईमेल हैज बीन सेंड विद द लॉगिन डिटेल टू प्रोवाइडेड द फला 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 एंड कंटिन्यू। आपने अपनी ईमेल को ओपन करना है, ईमेल को ओपन करने के बाद आपने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि क्या हमें कोई ईमेल रिसीव हुई है। अगर हुई है तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक्टिवेशन लिंक होगा।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक मुझे कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई, तो हम देखते हैं कि अब तक हमारे स्पैम्स में या किसी और फोल्डर में ईमेल चली गई हो, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप अपने जंक फोल्डर को भी एक बार चेकआउट कर लेंगे, शायद ईमेल आपकी वहाँ पे हो। ये देखें, आपने स्पैम में गए, मेरे इनबॉक्स में नहीं था, आपने स्पैम पे क्लिक करना, स्पैम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है ईमेल आई हुई है, जहाँ पे हमें ईमेल लॉगिन और पासवर्ड आपको दिया गया, आपने इस लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल सामने आएंगी, यहाँ से आपने अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड जो भी आपको दिया गया आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाने के बाद कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फॉर एरर योर लॉगिन इंफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड प्लीज ट्राई अगेन। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो पासवर्ड उन्होंने हमें दिया है, अपने पासवर्ड को AGO5U हम वैसे टाइप करके देखते हैं, AGO5U8PT। अब जब आपने देखा कि जब हमने ये किया तो हमारे पास क्या हुआ, एक एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ गया, यहाँ पे वो आपको स्टेटस भी बता रहा है इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस और एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो आप यहाँ से अपनी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं, एडिशनल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब कुछ करने के बाद स्पेसिफिक है, सप्लीमेंटल फॉर्म्स हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट, आप टर्म्स क्या है, डिग्री ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड, पीएचडी बैटर्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हैं, तो आपने इनको रीड आउट कर लेना है एहतियात से, ताकि आपको तमाम की तमाम कुछ समझ आ जाए। उसको करने के बाद आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन, वैसे तो यहाँ पे वन बाय वन सब कुछ गिवन है, आप जनरल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, सर्कुलेशन आपने सेलेक्ट करना है, डॉक्टर है, मिस्टर है, मिस है, मिसेज हैं, जो भी हैं, फैमिली नेम आपका क्या है, फर्स्ट नेम आपका क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम वो लिखते हैं लास्ट नेम और फैमिली नेम आपने वो लिखना है, नेम एज ई प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड अगर तो ऑप्शनल है, ये अगर तो डिफरेंट है तो ठीक है, वरना आपने इसको छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। करंट बिलिंग एड्रेस में आपने देना है, एड्रेस आपका क्या है, सिटी आपका क्या है, सिटी फॉरन सिटी है, आपका प्रोविंस क्या है आपने सेलेक्ट कर लेना, पोस्टल कोड आपका क्या है, कंट्री आपका क्या है, ये तो सिंपल है। परमानेंट मिलिंग एड्रेस है, कोशिश करना आप करंट और परमानेंट सेम दे देना, ताकि अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो उनके लिए आसानी हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होगी आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर आपका जो भी होगा आपका मेल आ जाएगा, बर्थ प्लेस क्या, आपकी सिटी क्या थी, आपका कंट्री कौन सा था, कंट्री ऑफ सिटीजन पाकिस्तान आ जाएगा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान आ जाएगा, डू यू हैव और हैव डू यू नाउ हैव और हैव यू एवर हेल्ड, कि आपके पास यूएस आप कभी गए हैं, यूएस सिटीजन बने हैं या ड्यूल नेशनलिटी है, आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना, तीनों पे यस नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे तो स्टडी प्लान ओपन होगा। स्टडी प्लान में जब ओपन हुआ है देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, विच एप्लीकेशन साइकिल आर यू अप्लाइंग फॉर 2020-2021, डिग्री ऑब्जेक्टिव आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, प्रपोज स्टडी आपके पास कौन सी थी, आपकी जो भी फील्ड है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, प्लीज व्हाट इज योर मेजर फील्ड, ब्रीफ डिस्क्राइब स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फील्ड इन विच यू प्लान टू स्पेशलाइज, आप जिसमें करना चाहते हैं आपने उसके बारे में थोड़ा सा अपना बताना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि आप इसमें क्यों करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान में क्या करना है, डिस्क्राइब द कैरियर your plan to pursue after completion of the study on research in the US, teaching, government, business, industry, फला फला फला, ये आपका स्टडी प्लान है, जैसा कि फ्यूचर प्लान होता है हम लोग अपने स्टेटमेंट पर्पज में भी या स्टडी प्लान में भी अपना गोल देते हैं, आफ्टर कम्प्लीशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपने वो लिखना है, तो आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पे कर देना है, लिमिट रिस्पॉन्स है शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट वर्डों में लिखना है, शॉर्ट वर्ड्स के साथ लिखना है, कंक्रीट करके लिखना है कि आप वहाँ से आके पाकिस्तान में अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे या पाकिस्तान में रिसर्चर काम करेंगे या टीचिंग काम करेंगे या बताएंगे कि अमेरिका जो है या यूएस जो है हमसे कैसे आगे हैं या वो क्यों हमसे आगे, हमें क्या चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, हम क्या अडॉप्ट करके आए हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद होगी, आपने वो यहाँ पे करना है। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन की डिटेल बहुत आसान है, वो तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि एजुकेशन हमने क्या देनी होती है, टॉप टू बॉटम आपने एजुकेशन देनी होती है। मेरे ख्याल से जो है नेट बहुत ज़्यादा स्लो है,
या शायद एप्लीकेशन या पोर्टल बहुत हैवी है। तो यहाँ पे आप देखें एजुकेशनल है, मिनिमम वन एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, तो कम से कम एक एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे ऐड करनी है। डिग्री नेम आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है, ये देखें सारी आई हुई है, ए लेवल है, इंटरमीडिएट है, आपने हाईएस्ट टू लोअर जाना है। डिग्री ईयर क्या है, कब आपकी कंप्लीट हुई, कितने ईयर की थी, वो टू ईयर की थी, वन ईयर की थी, करंट इनरोल्ड है या नहीं है, नो आएगा, मंथ आपका आएगा, ईयर आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, कब से कब तक थी, फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, इंस्टीट्यूशन क्या, इंस्टीट्यूशन सिटी क्या था, कंट्री कौन सा था, और जीपीए कितने थी, परसेंटेज कितनी थी, आपने यहाँ पे वन बाय वन एड अप कर देना है। लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप आर फेलोशिप हेल्ड एट द प्रेजेंट आर इन द पास्ट, गिव सोर्स आर स्पॉन्सर माउंट, यहाँ पे आप अपने स्कॉलरशिप के बारे में दे सकते हैं। अगर आप बैचलर में भी सिलेक्ट हुए हो, आपको पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि मैं एच एस सी नीट बेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई सिलेक्ट हुआ, या मैं पीएफ स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ, या मैं यूनिवर्सिटी मेरिट के लिए स्कॉलरशिप हुआ, जो भी आपके पास स्कॉलरशिप से आपने यहाँ पे उनको बता देना है। एकेडमिक्स एंड ऑनर्स, एकेडमिक्स ऑनर्स में क्या होता है कि आपके पास कोई प्राइजेज है, कोई कंपटीशन है, कोई ऑनर है, कोई अवार्ड है, या कोई पोजिशन जैसा होता है, कोई मेरिट बेस आपको कोई चीज दी जाती है, कुछ भी होता है, आपने उसके बारे में यहाँ पे बता देना। आपकी पब्लिकेशन भी हो सकते हैं, लिस्ट बुक्स आर्टिकल्स ये आपकी पब्लिकेशन के बारे में है। लिस्ट प्रोफेशनल सोसाइटीज, प्रोफेशनल सोसाइटीज फ्रंटियर और अदर ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू नाउ होल्ड मेंबरशिप, अगर आपके पास कोई मेंबरशिप है तो आपने इसको लिख देना, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देना। जैसा कि काफी यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज होती हैं, जैसा कि पीवीसी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसके अलावा भी काफी सारी सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो सोशल वर्कर के भी हो सकते हैं, एनजीओ के भी हो सकते हैं, आपने उनका यहाँ पे लिखना। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने वो लिखना, अगर नहीं है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। रिसर्च इंक्लूड एन रिसर्च यू हैव कंप्लीटेड इन विच यू आर करंटली इन्वॉल्व्ड, रिसर्च के बारे में आपने बताना है। असल में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपको निखारने के लिए, आपने से मलाई जिसको कहते हैं ना कि हम दूध से मलाई निकाल रहे हैं, सोच लिए हैं कि वो आपको स्क्रीन करेंगे कि हमें किस स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए और क्या क्या आंसर दिए। तो यहाँ पे आपके रिसर्च स्किल्स या रिसर्च एबिलिटीज को चेक किया जाएगा, अगर आपने की है तो वेल एंड गुड, नहीं की तो आपने इनको छोड़ देना है। एजुकेशन होने के बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे क्या बात है, आइडेंटिफाई योर करंट पोजीशन आर ऑक्यूपेशन, अगर तो आप स्टूडेंट आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, आप इसमें नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस पे ऐड करके आपने दे देना। लैंग्वेज स्किल्स है, आप यहाँ पे इंग्लिश करेंगे, रीडिंग जो भी है, राइटिंग जो भी है, स्पीकिंग जो भी है, आपने यहाँ पे अपने यहाँ पे स्किल्स स्टार्ट कर लेना। ये स्टडीड आप यहाँ पे ले सकते हैं कि आपकी एजुकेशन जो थी प्रीवियस वो चार ईयर थी, सिक्स ईयर थी, एट ईयर थी, वो सबके साथ इंग्लिश में थी। इसके बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट, एग्जामिनेशन रिजल्ट में जैसा कि हमने पूछा है, टफल है, आइट्स है, जी एन टी है, जी आर ई जनरल भी है, तो ये जैसा कि आपको पता है ये यहाँ पे रिक्वायर नहीं किए गए। जी आर ई जनरल यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, तो आपने इसके बारे में डिटेल देनी है। अगर आपने ये नहीं किया हुआ या नहीं दिया हुआ तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सिलेक्ट करने के बाद आप उनको डेट देनी है कि फलां डेट को हमारा टेस्ट होगा या हमने करना है। ट्रेवल्ड लिव्ड आर स्टडी, इफ यू हैव ट्रेवल्ड लिव्ड आर स्टडी इन एनी कंट्री अदर देन योर ओन कंट्री, अगर तो आप पहले कभी भी गए हो, ऑन स्कॉलरशिप गए हो, सेल्फ स्टडी गए हो, वैसे गए हो किसी भी कंट्री में, तो आपने उसके बारे में यहाँ पे बताना है। वो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियर होगा और आपकी एप्लीकेशन के लिए काबिल कबूल होगा। तो हम चलते हैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे, ये तो आपको पता ही है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या होता है। उस सूरत में जब आपसे कॉन्टैक्ट ना हो पा रहा हो यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट्स का, एडमिशन का, यूनिवर्सिटी एडमिशन का, या हमारी एम्बेसीज का, तो वो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट लेते हैं, जिसमें क्या हो सकता है आपका क्या कहते हैं भाई हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपका रिलेटिव में से कोई भी हो सकता है। अब इसमें कौन सा कौन है, आपकी होम कंट्री मांगा है, एक इन दी यूनाइटेड स्टेट मांगा है, तो ऑप्शनल है ये वाला यूनाइटेड स्टेट वाला, अगर तो कोई नहीं है आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। होम कंट्री से आपने किसी का भी अपने घर में से दे देना है। स्टडी एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक ये भी क्वेश्चन ये बात किया जाएगा रिसर्च प्लान के बारे में, रिसर्च प्लान के बारे में पूछा जाएगा। स्टडी या रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड, राइट अ क्लियर एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड गिव योर रीजंस व्हाई वांटिंग टू परस्यू देम। जैसा कि मैंने बताया था रिसर्च प्लान जिसको हम बोलते हैं स्टडी प्लान, जो है आपने वो बताना है कि आपने जो फील्ड सेलेक्ट की है उसके बारे में आपने सारा कुछ बताना है कि आपको इसको करना क्यों चाहते हो। रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, और आपका आर्ट द एंड आउटकम्स होते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ कि स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान और रिसर्च प्रपोजल में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पे आपने अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान को मेंशन करना है, जिसको हम रिसर्च प्रपोजल का नाम भी आप दे सकते हैं कि आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लिखें, वो ज्यादा बेहतर होगा। पर्सनल स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पता है पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, पर्सनल स्टेटमेंट मतलब मोटिवेशन लेटर, एसओपी जिसको हम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी नाम देते हैं, आपने यहाँ पे उसका जिक्र देना है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वन बाय वन सेक्टर से लिखा हुआ रेज्यूमे है आपकी,
ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी डिग्री आपकी है, जी आर स्कोर रिक्वायर्ड है, टेस्ट स्कोर है, ऑप्शनल है, ये नहीं होना, अगर नहीं है तो ठीक है। एडिशनल अपलोड पेज हैं, ऑप्शनल हैं, ये भी यहाँ पे आपके कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पब्लिकेशन हो सकती हैं, अचीवमेंट्स हो सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकते हैं, ऑनर हो सकते हैं, पोजिशन हो सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट आउट करें। तो उसके बाद हम करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वन पे क्लिक करते हैं तो वही सिंपल आ गया। करंटली मेलिंग एड्रेस आपका कौन सा है, एड्रेस आर प्री पॉपुलेटेड फ्रॉम द आइटम 3 फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन, सेम यहाँ से उन्होंने बताया कि ये वही चीज़ है, आपने यहाँ पे दे देना, अगर नहीं है तो आपने उस पर सेम ऐप पे क्लिक कर देना। नेशनल आइडेंटिफिकेशन आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना जो भी है, यहाँ पे आपने आप नया आई डी कार्ड लिखेंगे या पासपोर्ट नंबर लिख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट आप पे कोई डिपेंडेंट है या नहीं है, जस्ट चिल्ड्रन होते हैं आपके, स्पाउस हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कुछ भी अगर नहीं है तो आपने इसको जीरो पे ब्लैंक छोड़ देना। प्लीज डिस्क्राइब योर फिजिकल इंपॉर्टेंट यू मे हैव, आपने सिंपल लिख देना कि मैं नॉट एप्लीकेबल, या नॉट एप्लीकेबल लिखें या अदर लिखें, जो भी आप में है, या सिंपल आप सकते हैं फिजिकली एंड मेडिकली फिट अदर पे चेक करने के बाद। अदर स्कॉलरशिप्स जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आप अपनी अदर स्कॉलरशिप्स के बारे में भी डिटेल आउट दे सकते हैं। प्रेफरेंसेज अब कौन कौन से, जैसा कि मैंने पूछा था कि तीन प्रेफरेंसेज हमें रिक्वायर हैं, तो आपने यहाँ पे तीन प्रेफरेंसेज की डिटेल देनी है, नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, पोजीशन होगी और ईमेल एड्रेस होगी। कोशिश कीजिएगा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से कम ना हो। तो ये करने के बाद यहाँ पे दो मेथड है, अगर तो आप ऑनलाइन करना चाहें या आप हार्ड फॉर्म में सबमिट करना चाहें, वो आपकी मर्जी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू पे सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप लिखना प्रपोज लेंथ ऑफ स्टे इन द यूएस, अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपने 2 ईयर करना है, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपने 3 ईयर कर देना है। अप्रॉक्सीमेट अराइवल डेट फॉल 2020 है क्योंकि उसके लिए आया हुआ, 2021 के लिए आया हुआ। हाउ डिड यू लर्न ऑफ दिस स्कॉलरशिप फुलब्राइट, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिलेटिव हैं, सोशल मीडिया है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लिस्ट बिलो, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि जैसा कि देखा होगा आपने ग्लोबल यूसीएड प्रोग्राम भी है, जिसको एक्सचेंज प्रोग्राम भी हैं, और भी काफी सारे प्रोग्राम हैं जो यहाँ पे आते हैं, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है अगर आपने कहीं पर भी पार्टिसिपेट किया है। ऑथराइजेशन ऑफ द रिलीज इन्फॉर्मेशन, आई ऑथराइज फला फला फला, ये कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन सिग्नेचर आपने यहाँ पे नेम लिखना है, अपना फैमिली नेम जो भी है, ये आपका एज अ सिग्नेचर कंसिडर किया जाएगा। पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे देखें फंडिंग फंड अवेलेबल फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट यूएस डॉलर, प्लीज स्किप दिस सेक्शन, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि वो कह रहा है कि ये आपने फिल नहीं करना क्योंकि इसके लिए आपको फंडिंग यही हमारी जो फंड है वही अवेलेबल होगा। फंड अवेलेबल आफ्टर ईयर फर्स्ट ईयर आर स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको यूनाइटेड स्टेट है, अब अगर तो वहाँ पे एमएस 2 ईयर थी, 1 ईयर थी, 3 ईयर थी, जो भी थी, 1 ईयर का आपको दिया जाएगा, सेकेंड ईयर का होगा तो वो आपको खुद बेयर करना होगा या आप दोबारा से स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया, इसके बाद हम चलते हैं यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेज। अब आपने यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेज करने हैं कि कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे भी अदर यूनिवर्सिटीज इन विच यू मे बी इंटरेस्टेड, अगर तो नहीं है, अगर तो मतलब कि यहाँ पे एड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कैसे सर्च आउट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंसेज नंबर 1, 2, 3, क्योंकि 3 प्रेफरेंसेज आप दे सकते हैं। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे ये आ गए, डिपार्टमेंट क्या है, डिग्री क्या है, आप यूनिवर्सिटीज के 1 बाय 1 अपनी देख सकते हैं कि क्या मेरे यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। स्पेशलाइजेशन आपकी क्या होगी, स्पेशलाइजेशन क्या होगी, आपने सेव करके 1 बाय 1 3 ऐड कर देनी है। अगर आप ज़्यादा में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटीज भी लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन टू विच यू हैव टू अप्लाई, किस किस में करना चाहते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ये हैं, यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं, ये हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड अप कर देंगे, जैसा कि ये ऊपर गिवन है, मोस्ट हाईली प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन यू मे ऐड अप टू 3 इंस्टीट्यूशन। तो ये सिंपल है, एट द एंड जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे करके चले जाएंगे कि हम तो कुछ भी फिल नहीं किया, फिल करने के बाद एट द एंड आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नजर आएगा और आप इसको ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट कर देंगे। तो ये था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल कि आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है या उसका फॉर्म फिल कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी ये वीडियो और आप बआसानी अपनी इसको सुन के बआसानी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकेंगे। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।